बट यहाँ पे एस्टेक नॉकआउट होती है और काफी अनफॉर्चुनेट था, बट उनके पास पॉइंट काफी अच्छे हैं। बट ये देखिए काफी रिच का काफी अच्छा यूज करे। टेम्पल्स को ध्यान देना पड़ेगा कि अगर थोड़ा सा भी ओपन नहीं है वहाँ पे क्लाउन वाय है जो उनको पनिश कर सकते हैं एंड उनके लिए इतना आसान नहीं होगा। लेजेंड इंस्टेंटली प्रोडाउन करेंगे, आराम से वो टैप करेंगे, वहाँ पे स्ट्राइकर ने यहाँ पे लेजेंड को नॉकआउट कर दिया है। अब किल कन्फर्म होती नहीं होती वो तो बाद की बात है, बट यस अभी के लिए गोल्ड ब्रेक ने यहाँ पे पावर के पोडो को नॉकआउट किया और नीचे जो हमारे लाइफ क्राफ्ट के नू वाई टी बी है वो उन्होंने अच्छा एंगल होल्ड कर रखा है। ही इज प्लेइंग वेरी पेशेंट, उनको पता है कि इस वक्त मुझे कुछ ओवर कमिटमेंट नहीं दिखानी है, आई जस्ट हैव टू प्ले पैसे, मेरी टीम मुझे बैकअप दे रही है। किंजू ने वहाँ पे गोल्ड ब्रेक को नॉकआउट किया, डेस्टो ने यहाँ पे किंजू को रिप्लाइड नोट यहाँ पे नॉकआउट कर दिया है, मोगैम्बो ने डेस्टो को नॉकआउट कर दिया, किल कन्फर्म कर दिया। जूम बूम भी काफी अच्छा खेल है, यू मुंबई यहाँ पे काफी ज्यादा एक सफरन एक विक्टिम जोन के अंदर आ चुकी है, उनको काफी ज्यादा उनकी किल यहाँ पे जा भी चुकी है। एंड अभी के लिए हमारे पास 8 टीम्स बची हैं 23 प्लेयर के साथ और 27 मिनट ऑलरेडी गेम में हो चुके हैं। मुझे लगता था मिरामार सबसे ज्यादा लंबा जाता है बट विकेंडी के अंदर अलग ही लेवल कॉम्पिटिशन दिखता है। बिल्कुल, यहाँ पे क्योंकि अलग 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 टाइप के जोन बनते हैं और ऊपर से टीमें अगर आप देखो तो बहुत ज्यादा जिंदा और ऊपर से कंपाउंड वाला जोन बना है, तो यहाँ पे आपको यहाँ पे एक देखने को मिल सकता था स्नाइपर शॉट बट वहाँ पे मिस करा स्ट्राइकर ने, बट नरूटो सामने स्पॉट हुआ, अच्छा स्प्रे कनेक्ट करा, बट वहाँ पे रौनक ने एक बुलेट कनेक्ट करी है, वहाँ पे कैरी ओपी को लॉकडाउन करा है, एक बहुत प्यारा शॉट वहाँ पे कार 98 का, बट यहाँ पे नूब वाइट टीम वहाँ पे सामने ही प्रोन डाउन हो गए थे स्ट्राइकर के, एंड वहाँ पे उस स्प्रे में पूरे पूरा फिनिश भी करेंगे, बट यहाँ पे अभी भी 20% एचपी बची है जहाँ पे रिवाइव दे सकते हैं उनको। विलेन एक स्मोक बॉल ट्राई करेंगे बट जोन आ चुका है पीछे से, डैमेज बहुत ज्यादा पड़ेगा एंड लाइफ क्राफ्ट के लिए एक यही चांस है जहाँ से वो उसके लिए जा सकते हैं सेमीफाइनल के। बट यहाँ पे परितोष ने इनसेन के स्काई को नॉक करके फिनिश करा, विलेन ने यहाँ पे आरआईपी स्क्वाड के रेजर को नॉकडाउन करा, बट लाइफ क्राफ्ट का स्क्वाड यहाँ पे दिक्कत आता है जहाँ पे विलेन नॉकडाउन हुआ है, टीम -40 यहाँ पे एलिमिनेट होती हुई, दो किल्स उनके पास थी। फनाटिक का स्क्वाड के ऊपर बहुत बढ़िया जोन बनता है और हाई रिज भी है इनके पास एंड सामने इनसेन का स्क्वाड है उनके, एंड यहाँ पे प्ले जोन से यू मुंबई यहाँ पे निकलती हुई एंड लाइफ क्राफ्ट का यहाँ पे क्लाउनी भी नॉकडाउन होता है एंड पूरा ही पूरा लाइफ क्राफ्ट स्क्वाड खत्म। 15 पॉइंट्स उन्होंने इस वाले मैच से लिए थे, यू मुंबई ने 10 पॉइंट लिए, अब बची 4 टीमें। टीम इनसेन यहाँ पे मेरे ख्याल से 3 प्लेयर बचे हैं, यस 9 किल्स वो लोग ले चुके इस वाले मैच में, और फनाटिक के पास क्या पोजिशन है, ऊपर से टीम तमिलास के पास भी अच्छा जोन है यहाँ पे और ऊपर से इनसेन के टेम्पेस्ट वहाँ पे प्ले जोन से नॉकडाउन होते हुए। एग्जैक्टली, अब हमारे पास 4 टीम्स हैं और 15 प्लेयर्स हैं तो इंटेंस फाइट होगी और फनाटिक क्या अपना दूसरा चिकन डिनर निकाल लेगी, क्योंकि ऑलरेडी 8 पॉइंट्स हैं उनके हिस्से में। यहाँ पे इनसेन के पास 3 प्लेयर हैं, उनमें से 1 प्लेयर नॉकआउट है और वहाँ पे फुल पावर जेनोसाइड 4-4 प्लेयर के साथ बैठे हुए हैं। यू नेवर नो, बिकॉज लास्ट टाइम 2v4 सिचुएशन में थे, रौनक ने यहाँ पे टेम्पेस्ट को नॉकआउट कर दिया है फिर से और अब किल कंफर्म करी है यहाँ पर, और वहाँ पे टीम टेमिलाज भी बची है। टीम टेमिलाज ने ये यहाँ पे टीम टेमिलाज ही है, ये फुल पावर है वहाँ पे सामने और यहाँ पे टीम टेमिलाज है, एंड टीम टेमिलाज यहाँ पे अभी भी जोन के अंदर है वो कंपाउंड, बट फुल पावर का स्क्वाड यहाँ पे ऊपर ही आया सामने अभी जूम बूम और ये लोग ब्रोकन वॉल के पीछे एक कवर ले रखा है, वहाँ पे किंजू नॉकडाउन है बट अब सामने जाएंगे तो रौनक वहाँ पे उनको स्पॉट कर सकता है, बट यहाँ पे इनसेन का लेजेंड सामने था वो नॉकडाउन करा सामने परितोष के, बट पीछे से ओवेस का बहुत बेहतरीन कवर पर आया लेजेंड यहाँ पे फिनिश करा ओवेस ने एंड परितोष को मिलेगा जल्दी से रिवाइव, बट यहाँ पे टीम तमिलास का स्क्वाड जोन के अंदर आते हुए एक प्लेयर वहाँ पे उन्होंने खो दिया है, बट पीछे से फनाटिक के रौनक ऊपर से एक हाई रिच एडवांटेज, एंड यहाँ पे अभी भी देखोगे तो एक किल यहाँ पे स्टील करा वापस से, फनाटिक के पास 12 किल है, परितोष को मिल चुका यहाँ पे रिवाइव, बट यहाँ पे जूम बूम भी सामने वापस से नॉकडाउन होते हुए फनाटिक के, एश ने एक बहुत प्यारा यहाँ पे स्प्रे डाला वापस से एंड किल कन्फर्म करा है, सिर्फ 2 प्लेयर बचे हैं वहाँ पे एंड फुल पावर के राइट साइड में अगर आप देखो टीम तमिलास आती हुई, बट अभी 3 टीमें बची हुई यहाँ पे। एग्जैक्टली, यहाँ पे 3 टीम्स बची हैं यहाँ पे, फनाटिक टेमिलाज एंड फुल पावर गेमिंग, और थोड़ा सा मुश्किल रहेगा बिकॉज यहाँ पे परितोष थोड़ा सा ऑफ जोन थे और वो धीरे धीरे डैमेज ले रहे थे, बट उनको जल्दी से सर्कल में आना पड़ेगा, वो स्मोक के अंदर उनको इतनी प्रॉब्लम नहीं होगी, बट फनाटिक लुकिंग वेरी स्ट्रॉन्ग, उनके पास 13 किल ऑलरेडी है यहाँ पर और अब वो अपने दूसरे चिकन डिनर की तरफ पड़ रहे हैं, बट मुझे लगता नहीं है कि इतना आसान होगा यहाँ पे टीम टेमिलास को रोकना, और टीम टेमिलास भी काफी एक्सपीरियंस है, उनको भी पता है कि किस तरीके से गेम खेलना, डैमेज काफी ज्यादा पड़ रहा है उनको, जल्दी से ब्लू जोन क्रॉस करना पड़ेगा, एक टिक काफी रहेगा, बट ओके फाइनल टिक। ये मॉडल की वो वीडियो याद आ गई जिसमें वो अपार्टमेंट में फाइनल किल निकालता है, बट यस अब फिर से कॉम्बैट चालू होगा, 30 मिनट हो चुके हैं, 30 मिनट से ऊपर गेम हो चुका है, ग्राफिक में थोड़ा वहाँ पे टीम जेनोसाइड दिख रही है बट वो है फुल पावर, बट वहाँ पे वो लोग भी दो बंदे बचे हैं फुल पावर के, बट कोई देखिए नहीं, हमारे सामने मेन विजुअल्स जो दिख रहे हैं सामने टीम तमिलास के 4 प्लेयर है, फनाटिक के 4 प्लेयर है, बट सिर्फ 2 प्लेयर बचे यहाँ पे टीम फुल पावर के एंड 4 वर्सेज 4 वर्सेज 2 की फाइट है फाइनल जोन में। हमारे पास जो फनाटिक ने आज गेम प्ले दिखाया है अभी फाइनल जोन में एक बार फिर से प्रवेश कर चुके हैं, मिस्टर स्प्रे सबसे आगे है यहाँ पे, अगर हम टीम तमिलास की बात करें फर्स्ट स्टेज यहाँ पे दी जा रही है, कोई एक प्लेयर यहाँ पे मेरे ख्याल से हील बैटल के लिए रेडी हो रहा है बिकॉज जो कि जरूरी भी है, 3 प्लेयर इनके पास बचे हैं जो कि आगे सामने फाइट ले सकते हैं और पीछे
प्ले जोन से अगर यहाँ पे डैमेज लेते हुए जा रहे हैं किंजु एंड उसके टीम में. एग्जैक्टली और सर्कल काफी ज्यादा क्लोज आउट हो चुका है. दिस इज द नाइन सर्कल एंड सर्कल की स्पीड देखिए कितनी ज्यादा तेज हो रही है यहाँ पे. प्ले जोन यहाँ पे गेम्बो नॉकआउट हो चुके हैं. थर्ड पोजीशन में फुल पावर हो चुके हैं और परितोष छोड़ने का नाम ही नहीं ले रहे हैं. यहाँ पर भागते भागते स्प्रे डाउन कर रहे हैं और आखिरी के अंदर जिस तरीके से यहाँ पे गेम दिखाया और फनाटिक ने बेहतरीन चिकन डिनर निकाला 17 किल के साथ. मतलब भाई दो दिन लगातार खेले बिना चिकन डिनर, आखिरी दिन